कचनार एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका सेवन कई प्रकार के रोगों में किया जाता है। कचनार का विशेष रूप से प्रयोग शरीर में होने वाली गांठों में किया जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ हो, ग्रंथि हो, उसको गलाने के लिए कचनार का प्रयोग आयुर्वेद में सबसे अधिक किया जाता है। इसके अलावा कचनार का प्रयोग शरीर में होने वाली फोड़े फुंसियों पर भी किया जाता है। मुंह के छालों में भी कचनार का प्रयोग किया जाता है। पेट में आम की समस्या होने पर, चिपचिपा मल आने पर भी कचनार का प्रयोग लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में हम कचनार के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी कि कचनार के क्या क्या फायदे हैं, कचनार का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है और कचनार का प्रयोग किस किस प्रकार से करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक अग्रवाल, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, आयुष्मान आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कचनार क्या है। कचनार का एक पेड़ होता है। आमतौर पर उत्तर भारत की तरफ यह पेड़ आसानी से मिल जाता है। यह लगभग 20 से 40 फीट तक ऊँचा पेड़ होता है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग इसकी छाल का किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके फूलों का प्रयोग भी देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कचनार के क्या क्या फायदे होते हैं। तो कचनार रुक्षय यानी रूखापन बढ़ाने वाला है और लघु है यानी यह शरीर में लघुता पैदा करता है, हल्कापन लाता है और पचने में भी यह हल्का होता है। इसके अलावा यह कषाय रस युक्त होता है यानी यह कसैला रस का होता है, इसका स्वाद कसैला होता है। यह शीतवीर्य औषधि है यानी इसकी तासीर ठंडी होती है। यह बहुत ही अधिक ध्यान रखने की बात है, यह शीतवीर्य औषधि है, ठंडी तासीर की औषधि है। यह कफ दोष का और पित्त दोष का शमन करती है। कचनार की छाल कफ दोष नाशक होती है और पित्त दोष नाशक होती है, यानी जिन लोगों को कफ दोष जन्य रोग हों या पित्त दोष जन्य रोग हों उनके लिए कचनार की छाल बहुत ही अधिक उपयोगी होती है। और इसका प्रभाव जो है वो गंडमाला पर यानी गोइटर पर या कहें शरीर में होने वाली गांठों पर, हाइपोथायरॉयडिज्म पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कचनार का प्रयोग किन किन रोगों में किया जा सकता है। कचनार का प्रयोग सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, शरीर में होने वाले फोड़े फुंसी में अथवा घावों में कचनार का प्रयोग किया जाता है। जब घाव भरता नहीं है या घाव में पस बनने लगता है तो उस घाव को कचनार की छाल के काढ़े से धोने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। पस पड़ना बंद हो जाता है और घाव धीरे धीरे भरने लगता है। आयुर्वेद में इसे व्रण शोधक और व्रण रोपक इन दो शब्दों से नवाजा गया है। मतलब यह घाव की सफाई भी करता है और घाव को भरने में मदद भी करता है। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, मुंह के छालों से वे ग्रस्त रहते हैं, वे लोग कचनार की छाल के काढ़े का प्रयोग कुल्ला करके कर सकते हैं, यानी कवल और गंडूश करके भी कर सकते हैं, जो आज के टाइम में ऑयल पुलिंग से विख्यात है, ऑयल पुलिंग के नाम से विख्यात है। उसका प्रयोग ऑयल की जगह कचनार के छाल के काढ़े से भी कर सकते हैं। कचनार के छाल के काढ़े को मुंह में भरकर उसका कुल्ला करने से मुंह में होने वाले छालों में लाभ मिलता है। इसके अलावा कचनार की छाल स्तंभक है, यानी आपके पेट में यदि आम बनती हो या आपको बार बार दस्त होने की समस्या हो, चिपचिपा मल आता हो, उन सब लोगों के लिए कचनार की छाल बहुत अधिक उपयोगी है। उन लोगों के लिए कचनार की छाल स्तंभक का काम करती है यानी मल बांधने का काम करती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में आता हो, मासिक धर्म बहुत आता हो और बहुत अधिक कमजोरी आ जाती हो, उन महिलाओं के लिए भी कचनार की छाल बेहद उपयोगी है। उन महिलाओं को कचनार की छाल के प्रयोग से मासिक धर्म भी धीरे धीरे सीमित मात्रा में आने लगता है। इसके अलावा कचनार की छाल को आयुर्वेद में क्रमिघ्न भी कहा गया है, यानी पेट में होने वाले कीड़ों के लिए कचनार की छाल बेहद ही उपयोगी है। जिन लोगों को पेट में बार बार कीड़ों की समस्या रहती हो, वे लोग भी कचनार की छाल के काढ़े का प्रयोग अथवा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कचनार एक बहुत अच्छा रक्त शोधक है, यानी खून की सफाई करने वाला है।
कचनार के प्रयोग से आपके खून की अच्छे से सफाई होती है और फोड़े फुंसियों में जितने भी प्रकार के चर्म रोग होते हैं, खुजली, दाद, एक्जिमा, इन सभी रोगों में कचनार के प्रयोग से धीरे धीरे लाभ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कचनार मेदोहर भी कहा गया है, यानी मेद वृद्धि को रोकने वाला है, मोटापे को रोकने वाला है। इसका एक विशेष गुण होता है लेखन का, यानी यह धीरे धीरे आपके शरीर में जो भी जमा चर्बी होती है, जो भी अतिरिक्त चर्बी होती है, उसे छील छील कर बाहर निकालता है, उसको धीरे धीरे कम करने लगता है। तो लेखन का गुण होने के कारण ही कचनार बहुत ही अच्छा मोटापा नाशक है, मोटापे को कम करने वाला है। और कचनार का सबसे अधिक जो प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा अगर प्रयोग किया जाता है तो वो शरीर में होने वाली गांठों में किया जाता है। जिन बच्चों को गांठें पड़ जाती हैं, बच्चों में अक्सर देखने के लिए आता है कि उनके गले में, यहाँ पर कंधे पर, यहाँ कहीं गांठें होती हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पूरे शरीर में, हाथ में कहीं ना कहीं पर गांठें होती हैं। इस सभी प्रकार की गांठों को गलाने के लिए कचनार एक बहुत ही उपयोगी औषधि है, बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा कचनार शोथग्न भी है। कचनार आपके शरीर में जो सूजन आ जाती है उसको भी कम करने वाला होता है। कचनार का विशेष प्रयोग गंडमाला में बताया गया है, यानी गोइटर में बताया गया है। जिनके गले में ग्रंथि पड़ जाती है, गले में गांठ हो जाती हैं, उन लोगों के लिए भी कचनार बेहद उपयोगी है। हाइपोथायरॉयडिज्म के रोगियों को भी कचनार के छाल के काढ़े का बहुत अधिक विशेष प्रभाव रहता है। तो मैं संक्षेप में कहूँ तो आयुर्वेद में कचनार का अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रयोग करता है तो वह गांठों के लिए किया जाता है, शरीर में होने वाली ग्रंथियों के लिए किया जाता है। तो गांठों या ग्रंथियों के लिए कचनार एक बहुत ही उपयोगी औषधि है, बहुत ही विशेष औषधि है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कचनार की छाल का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले कचनार की छाल ले लेनी है। अगर आपके आसपास कोई कचनार का पेड़ हो तो उसके तने पर जो छाल होती है उसे उतारकर भी उसका प्रयोग सुखाकर किया जा सकता है, अथवा किसी अच्छे पंसारी के यहाँ आपको कचनार की छाल आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले कचनार की छाल को लेकर उसे कूट लेना है। चावल के दाने के बराबर या जौ के बराबर भी उसे मोटा कूट सकते हैं। इस प्रकार जब यह कूट जाएगा तो उसमें से 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक छाल का प्रयोग एक बार में करना होता है। 5 ग्राम एक लघु मात्रा है और 10 ग्राम एक बृहद मात्रा है। तो 5 से 10 ग्राम तक छाल को आपको ले लेना है और उसका 200 ml पानी में घोल के उसका क्वाथ तैयार करना है। जब वह आधा रह जाए इतना आपको तैयार करके उसे छानकर रख लेना है। इसका प्रयोग आपको सुबह खाली पेट करना है और शाम को खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले इसका प्रयोग आपको करना है। तो इस प्रकार आप 5 से 10 ग्राम छाल लेंगे, उसका काढ़ा तैयार करेंगे और सुबह खाली पेट प्रयोग करेंगे और शाम को खाने से 1 से 1.5 घंटा पहले प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आप नित्य रूप से कचनार की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप 6 महीने, 8 महीने या 1 वर्ष तक आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों को पेट में गैस की समस्या रहती हो, उन लोगों के लिए कचनार की छाल के काढ़े में 0.5 से 1 ग्राम अजवायन का चूर्ण मिलाकर प्रयोग करना है। यानी कचनार का छाल का काढ़ा बनाना है, जो विधि मैंने आपको पहले बताई, उस काढ़े में ही 0.5 से 1 ग्राम यानी 4 चुटकी लगभग अजवाइन का चूर्ण उसमें मिक्स कर लेना है और फिर उसे पी लेना है। तो पेट में गैस की समस्या में भी आपको आराम मिलेगा। जिन लोगों को चिपचिपा मल आता हो या जिनके पेट में आम बनती हो, उन लोगों को कचनार की छाल में 4 चुटकी सौंठ का चूर्ण मिला लेना है। कचनार की छाल के काढ़े की विधि जो मैंने पहले बताई है, उसी काढ़े में 4 चुटकी सौंठ मिला लेनी है और उसका प्रयोग आपको उसी तरह से करना है। जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता हो, दस्त साफ नहीं होता हो, लैट्रिन खुल के नहीं आती हो, उन लोगों को कचनार की छाल के काढ़े में तैयार होने के बाद, ठंडा होने के बाद 1 चम्मच शहद मिलाकर प्रयोग करना है। इससे आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। तो यह विधि ध्यान रखें,
पहले कचनार की छाल का काढ़ा बना लेना है। काढ़े के बाद अगर आपको कोई समस्या नहीं है, सिर्फ आप गांठों के लिए, ग्रंथियों के लिए आप कचनार की छाल का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसे इसी प्रकार पी सकते हैं। यदि आपके पेट में गैस की समस्या हो तो आप इसमें अजवाइन मिला के पी सकते हैं। यदि पेट में आम बनती हो तो आप उसमें सौंठ का चूर्ण मिलाकर पी सकते हैं। और यदि आपको खुलकर मल नहीं आता हो तो आप उस काढ़े में एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। इस प्रकार आप कचनार की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी नुस्खे का आप प्रयोग करें, अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही करें। अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेने के बाद ही कचनार की छाल का प्रयोग करें। तो दोस्तों, अगर कचनार के विषय में यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आयुर्वेद संबंधी जानकारी आम जनों तक, सभी लोगों तक पहुंचाई जा सके और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद संबंधित जानकारी लगातार प्राप्त करने रहने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।